सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, वो भी वेरी वेरी। बेटा मेरी बात सुनो पहले ध्यान से सारे बच्चे। जो हमने पिछली बार चैप्टर किया था हमारा सोशल चेंज वाला, शायद वही उसका नाम कुछ ऐसा ही था, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको सेट करूंगा रिटर्न में, रिटर्न में, ठीक है? सारे के सारे अगर किसी ने नहीं किए तो बच्चा वहां से कर लेगा। सुनाई दिया सभी को? सही बिल्कुल। आज संडे का मंडे है आपको। है सब हाँ, अब चलते हैं। करो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, मुझे ना आपके मैम बता के गए थे, भी एक के रहता है द स्टेट गवर्नमेंट, भी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, उसका चैप्टर है। वो अभी करने वाले हैं हम लोग। तो मैं सीधा, टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सीधा चलते हैं। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है जी? फिर शायद ये नहीं, इसको तो हटाओ, ये आ गया। सारी बेटा स्क्रीन शेयर होगी आपके सामने? सारी सर हाँ, तो द रोल, यह रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, कैसे ये वर्क करती है। जैसे हमारी पंजाब गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, हरियाणा गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट में है, यूपी गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट में आती है। तो ये जो गवर्नमेंट है, अब इसमें इसका है क्या 15? हाँ, अपने बेटा बुक भी साथ के साथ रखो, ठीक जी? बिना बुक के काम नहीं चलता। तो अबाउट द चैप्टर से रीड करना, कौन बच्चा पहले ना, अमनप्रीत कौर लड़की है वो रीड करेगी, लड़की है शायद वो, हाँ वही रीड करेगी। अमनप्रीत कौर अबाउट द चैप्टर से रीड करना शुरू करो आप। कहाँ चली गई? मैं किसी और बच्चों को बोलता हूँ भाई, वो रीड कर देगा। और क्या है, अर्शदीप कौर, जैस्मिन में बच्चा है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट इट लुक्स आफ्टर द मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हाउएवर एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्पेशल नीड्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज नीड्स सो वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एज वेल The state government job is to make and give effect to laws and subjects that deal with the special needs of the state. Such a system of government in which individual states have control over their own affairs but are controlled by a central government in matters of national importance is called a federal system. ठीक है बेटा, मैं रेडी करता हूँ। देखा चैप्टर के बारे में, इंडिया से वेरी बिग कंट्री, सभी को पता है कि ये हमारा देश है, एक बहुत बड़ा देश है। इट इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट। इसको हमारे देश को कौन चलाता है? सेंट्रल की सरकार चलाती है, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इट लुक्स आफ्टर द मैटर्स ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस। ये जो पूरे इंडिया को चलाने का काम है वो करती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जो दूसरे देशों के साथ जो अपने संबंध स्थापित करना है वो भी इसी के काम, नेशनल इंपोर्टेंस के वर्क यही करती है। हाउ एवर एवरी स्टेट हैज इट ओन इट्स ओन स्पेशल नीड्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज नीड्स। हर स्टेट की बेटा अपनी एक जरूरतें होती है, स्पेशल नीड्स होती है। तो सरकार जो सेंटर की सरकार, उसका पॉसिबल नहीं है कि इनकी तरफ वो सभी की जो डिमांड्स है उसको पूरा कर पाए अपने आप। सो वी हैव गवर्नमेंट इट एट द स्टेट लेवल एज वेल। तो हमारे पास ये गवर्नमेंट है जो स्टेट लेवल पे काम करती है, जैसे पंजाब में
पंजाब सरकार काम करती है. द स्टेट गवर्नमेंट्स जॉब्स इज टू मेक एंड गिव इफेक्ट्स टू लॉज ऑन द सब्जेक्ट दैट डील्स विद स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो जॉब है इज टू मेक एंड गिव इफेक्ट्स प्रभावशाली है कानून को स्थापित करने के लिए, कानून का राज बनाने के लिए. सब्जेक्ट दैट डील्स विद द स्पेशल नीड्स और वो जो भी जरूरतें होती है स्टेट की वो स्टेट गवर्नमेंट पूरा करती है. सच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल स्टेट हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स बट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ नेशनल बॉर्डर्स. अब इसमें क्या है जी, इस कार्ड फेडरल सिस्टम, ऐसे सिस्टम को ना जो गवर्नमेंट है इंडिविजुअल स्टेट्स में वो कंट्रोल करती है, वो अपने उसके अंडर हाथ में सारा काम है, वो अपने सिस्टम से वो वर्क करती है. लेकिन जो सेंट्रल सरकार है वो पूरे देश को देखती है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने स्टेट को देखेगी. जैसे पंजाब की स्टेट पंजाब को देखेगी, हरियाणा की स्टेट सरकार है वो हरियाणा गवर्नमेंट है हरियाणा स्टेट को देखेगी, बिहार की बिहार को देखेगी. लेकिन जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसने पूरा देश देख रहा है, उसमें पंजाब भी है हरियाणा भी है यूपी भी है बिहार भी है, सारी स्टेट उसी के अंदर आती है. ठीक है जी, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, जहां सेंट्रल सरकार डिफरेंट वर्क करती है और स्टेट की गवर्नमेंट डिफरेंट वर्क करती है. ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं आता हूं नीचे. अब है इसके वर्ड मीनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी साथ साथ रीड करते जाएंगे हम. कैपिटलिस्ट, पंचायती राज, ये है 1, 2, 3. ये पता है इसके बारे में आपको कौन पड़ेगा? हाँ पढ़ दो बेटा. सर कीवर्ड पढ़ने बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिस हम ढांचा बोलते हैं मूलभूत ढांचा है वो, इसके बारे में पढ़ना आप. ये सिर्फ ये ग्लोसरी रीड कर दो एक बार आप. Private owners of factories and such other means of production who produce profit. Panchayati Raj, the Constitution of India provides for a three-tier for all states having population of over 20 lakhs. These are the institution of local sector. चलो मैं रीड करता हूं आपके लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर आता है जी, स्टेट की बात करते हैं सिर्फ स्टेट की, क्योंकि हमने जो चैप्टर है वो भी स्टेट का ही है. इसमें आती है बिल्डिंग्स आती है, रोड्स आते हैं, पावर सप्लाई आती है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी. किसी भी समाज को सोसाइटी को चलाने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है. सड़क के बिना आप नहीं चल सकते, बिल्डिंग के बिना आप नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकता, वर्क नहीं वहां पे हो सकता, और बिना 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 पावर सप्लाई के कोई कुछ हो भी नहीं सकता. नंबर है कैपिटलिस्ट, नंबर टू पे कैपिटलिस्ट होता है पूंजी पैसा या पूंजीपति. प्राइवेट जो ओनर्स होते हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज होती है, अभी मैं अपनी फैक्ट्री का मालिक हूँ कुछ ऐसा, तो वो क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं चीजों की सामान की गुड्स की वो, और प्रॉफिट अर्न करते हैं. नंबर तीन पे आता है पंचायती राज. पंचायती राज में क्या आएगा? पंचायती राज में आपका आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ओवर 20 लाख. देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स. देखो पंचायती राज में क्या है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे तीन टाइप की क्या है जी, गवर्नमेंट है इंडिया में जिसको पंचायती राज बोलते हैं. तीसरे के पहले सेंट्रल की आती है, फिर स्टेट आती है, फिर लोकल आता है, म्युनिसिपल कमेटीज आती है, पंचायती राज में से एक है. फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन, सभी स्टेट्स की जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है
देर आर स्टेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंस, वहां खुद वो सरकार चला सकती है। अब आते हैं जी आगे, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है सहज है बेटा, रीड कर रहे हैं इसको सर करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड प्रोवाइड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। द सर्विसेज प्रोवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इजीली रीच द पीपल थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, through local self-government bodies such as panchayats and municipalities. State government also encourage community participation and the participation of NGOs to make their schemes more effective. The subjects on which a state government make laws are mentioned either in the state list or in the concurrent list. Among these subjects are land reforms, irrigation, water, education, and public health. Let us learn a little about how the state government looks after public health. This will give us some idea about how the state governments deal with various subjects to meet the needs of their respective states. Sir, done. ठीक है बेटा, मैंने कर दूंगा आगे आपके लिए। फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ए स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड प्रोवाइड सर्विस अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट कंसर्न। पहली बात, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे कानून बनाती है जिससे वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा पाए जो जरूरत है जी स्टेट के लिए। स्पेशल नीड्स जो सरकार की, जो स्टेट की स्पेशल जरूरत है उसको, उसके प्रति वो जागरूकता भी रहती है, उसको पूरा करने की कोशिश भी करती रहती है। द सर्विसेज प्रोवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली रीच द पीपल थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज सच एज पंचायती राज, म्युनिसिपल कमेटीज। देखिए, जो सरकार ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो सीधे नहीं करवा सकती लोगों को, लोगों की पहुंच तक वो ऐसे नहीं जाती, वो जाती है जी पंचायती राज के थ्रू या फिर म्युनिसिपल कमेटीज के थ्रू जाती है, म्युनिसिपल पार्ट जो म्युनिसिपल होते हैं ना कॉर्पोरेशन के थ्रू जाती है। जैसे कि किसी गांव को सरकार ने ग्रांट देनी है तो वो जाती है पहले पंचायत के पास जाके, फिर वो लोगों के पास पहुंचती है। जैसे किसी को पेंशन देनी है या फिर राशन बांटना है, कुछ सड़क बनानी है, इस प्रकार से कुछ स्कूल बनाना है, वो स्टेट गवर्नमेंट आल्सो इंक्रेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ टू मेक देयर स्कीम्स मोर इफेक्टिव। सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, राज्य सरकार है, वो इंक्रेज करती है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, लोग मिलजुल कर सामुदायिक होकर वो काम करें एंड पार्टिसिपेशन करती है एनजीओ, नॉन जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एनजीओ बोलते हैं, इनको साथ लेकर वो काम करवाती है ताकि स्कीम और जरा इफेक्टिव हो पाए। आगे है, द सब्जेक्ट ऑन विच ए स्टेट गवर्नमेंट मेक्स, जिस सब्जेक्ट पर जो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है आर मेंशन्ड आइदर इन द स्टेट लिस्ट और इन द कंकर्ड लिस्ट। देखिए, तीन प्रकार की लिस्ट है जी, एक है जी यूनियन लिस्ट, दूसरी है जी स्टेट लिस्ट, थर्ड है जी कंकर्ड लिस्ट। जो जिस पे सरकार कानून बनाएगी ना स्टेट गवर्नमेंट, वो या तो फिर उसकी लिस्ट में होगा या फिर कंकर्ड लिस्ट में होगा। सिंस देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग ए लीडिंग रोल इन द डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि शुरू से जो अब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है, और किसको लेकर वो ज्यादा वो डिटरमाइन की एजुकेशन को लेकर, जो कंट्री का जरूरत है एजुकेशन उसको तो ज्यादा वो ध्यान देती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन थ्रू द कंट्री। वो एक पूरा एक हो गए हैं
सिंह के घर से बहुत आवाज आ रही है। ये तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, मैं इसको से अभी देखो। थोड़ा सा ना एक मिनट, यहाँ से था थोड़ा मिक्स हो गया वो। द सब्जेक्ट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ और मेंशन आइदर इन द स्टेट लिस्ट और इन द कंट्री लिस्ट, जिस लिस्ट को लेकर सरकार कानून बनाती है वो तो या तो स्टेट लिस्ट में है या फिर कंट्री लिस्ट में दिए गए होते हैं। Among the subjects are land reforms, इसके अंदर कुछ land reforms आते हैं, irrigation आता है, water आता है, पानी आता है, education आती है और public health आती है, state list में आते हैं। Let us learn a little about the law, how the state government looks after the public health. आओ देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे जो state government है वो public health की तरफ ध्यान देती है। This will give us some ideas about how the state government deals with various subjects to meet the needs of their respective states. और इससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डील करती है various subjects को, जहां से to meet the needs of their respective states, कि वो अपनी स्टेट की जरूरतों को पूरा कर पाए। उसके बाद आता है एजुकेशन। अब है 23.2 एजुकेशन के ऊपर कौन रीड करेगा बच्चा? सर हम करें? हाँ करो, हम करें, करो करो करो। 1976 एजुकेशन वाज अ मेड सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। सिंस देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कंट्री। The central government tries to maintain a uniform standard of education throughout the country. Primary education is a given a lot of importance. All children aged between 6 and 14 years now have to get free primary education. The central government and the state governments run schools to provide education to children. The अभियान स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू मेक एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स चिल्ड्रन फ्रॉम द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी चिल्ड्रन फ्रॉम रिमोट एरियाज वर्किंग चिल्ड्रन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स। ओके एजुकेशन की बात करते हैं बेटा। In 1976, education was made a subject of the conquered list. 1976 में जो education था वो conquered list में डाल दिया गया। Since then, the central government has been playing a leading role in the determining the education needs of the country. तब से जो central government थी वो एक बड़ा leading role play कर रही है वो education लेकर, क्योंकि वो जरूरतों को पूरा करना चाहती है, जो government की जरूरत है या फिर needs of the country, जो education है वो देश की जरूरत है आज के टाइम पे, तो उसको देख के वो पॉलिसी बनाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू द कंट्री। जो केंद्र की सरकार है वो ये मेंटेन करने की कोशिश करती है कि एक पूरी की जो एजुकेशन है एक प्रकार की पूरी कंट्री में एक सेम एजुकेशन चलनी चाहिए। ये नहीं कि स्टेट में कुछ और चल रहा है, सेंटर में कुछ और है, पंजाब में कुछ और एजुकेशन दी जा रही है और वहां पर दूसरी स्टेट में कुछ और एजुकेशन दी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम हो। प्राइमरी एजुकेशन इज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, जो प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है।
All children aged between 16 and 14 years now have the right to get free primary education. जो बच्चे 6 से लेकर 14 साल तक के हैं उनको ये राइट है कि वो फ्री अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स रन्स स्कूल्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स है कि जो स्कूल चलते हैं वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। उसमें आता है आगे द सर्व शिक्षा अभियान स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू मेक एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन। इसमें क्या था एसएस में सर्व शिक्षा अभियान में कि जितने बच्चे हैं सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए उनको अवेलेबल करवाया जाए स्पेशली गर्ल्स लड़कियों को चिल्ड्रन फ्रॉम द वीकेस्ट सेक्शन जो कमजोर तबके से बच्चे आते हैं जो सोसाइटी से आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते जो बच्चे रिमोट एरियाज में रहते हैं जो बच्चे काम करते हैं फैक्ट्रियों में यहाँ वहां पर अपने पेरेंट्स के साथ या फिर जो स्कूलों से हट गए हैं उन सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करवाया जाता है इसके द्वारा। ए स्टेट गवर्नमेंट गेट्स मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन स्टेट्स। जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसका काम क्या है बेटा उसका काम है सेंटर से वो पैसा लेती है एजुकेशन को प्रमोट करने का अपनी स्टेट में। विद दिस मनी इस पैसे के साथ इट इज एक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू सेट अप न्यू स्कूल्स नए स्कूल बनाए जाए स्टेट के अंदर कंस्ट्रक्ट स्कूल बिल्डिंग नई बनाई जाए क्लासरूम बनाए जाए टीचर अपॉइंट किए जाए एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा अपना आता है इरीगेशन इरीगेशन ये कौन रीड करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ्टन इनकरेजेस the farmers to form association for building and maintaining small irrigation works. The state government usually frames a policy for managing the state water resources. This is especially important in arid states. Much of the water used for irrigation is drawn from rivers and many of these rivers flow so more than one state governments enter into formal agreements with each other for the sharing of water from a common river. Sometimes there are disputes. If the state governments concerned cannot settle such disputes by themselves, the water center government has to step in. Water. It is the duty of the state government to supply water for use in homes and industries and for the purpose of sanitation. Usually, the public health engineering department of the state government performs this function. It creates a system for supplying clean water and draining away dirty water. These systems are maintained by the local self-government bodies. ठीक है जी मुझे पढ़ने दो आपके लिए इरिगेशन जिसको बोलते हैं सिंचाई यानी कि पानी प्रोवाइड करवाना फसलों के लिए पीने के लिए इरिगेशन में सिंचाई के लिए होता है पानी वैसे खेती बाड़ी के लिए डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द स्टेट्स ये डिपेंड करता है स्टेट की जरूरतों के ऊपर द स्टेट गवर्नमेंट्स हैज डैम्स स्टेट गवर्नमेंट्स के पास डैम्स हैं कैनल्स होती हैं वेल्स होते हैं constructed to provide irrigation बनाए जाते हैं किसके लिए ताकि वो irrigation provide करवा पाए सिंचाई provide करे सिंचाई में से यहाँ पे पानी की सुविधा। Often the actual work is carried out by the local self government bodies जो सही काम है वो तो कौन करता है local government करती है या self government करती है bodies करती है। Also the state government often encourages the farmers to form associations for buildings and maintaining small irrigation works. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो encourage करती है किसानों को उनको साथ लेकर वो काम करवाती है कि बिल्डिंग बनाइए
बिल्डिंग बनाने के लिए और मेंटेन करती है स्मॉल इरिगेशन वर्क्स के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली फ्रेम ए पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द स्टेट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है स्टेट को मैनेज करने के लिए, वाटर सोर्सेज को मैनेज करने के लिए। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द एरिडल स्टेट्स। और ये कहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एरिड स्टेट्स होती है, जहाँ पर पानी की कमी बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारे राजस्थान है जो स्टेट है वो पड़ोस में है, तो वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं, नदियाँ बनाई जाती है ताकि पानी को सिक्योर कर पाए, बचा पाए। आगे है, मच ऑफ वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन इज ड्रॉन फ्रॉम रिवर्स। जो बहुत सारा पानी है वो कहाँ से निकाला जाता है, खेतीबाड़ी के लिए नदियों से। एंड मैनी ऑफ दीज रिवर्स फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट्स। और ये जो नदियां हैं वो बहती हैं एक या दो स्टेट से या तीन चार स्टेट से वो नदियां बहकर जाती है। स्टेट गवर्नमेंट आइदर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट विद ईच अदर फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ए कॉमन रिवर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट करती है दूसरी स्टेट के साथ कि हम आपको अपने पानी से कितना हिस्सा देंगे। जैसे पंजाब से पानी जाता है जाता है राजस्थान को पानी जाता है, हरियाणा को पानी जाता है, कितने परसेंट वो पानी देना है ये देखा जाता है कॉमन रिवर से। समटाइम्स देयर आर डिस्प्यूट, कई बार उसके अंदर डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। इफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड कैन नॉट सेटल सच डिस्प्यूट्स बाय देमसेल्व्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा कंसर्न्ड नहीं है तो वो क्या करती है जी, वो इस डिस्प्यूट को वो सेटल भी नहीं करती जानबूझ के, भी वो मुद्दा उलझा के रखती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या करती, वो स्टेप इन करती है, वो बीच में आती है ताकि वो इस समस्या का सोल्यूशन कर पाए। आगे है वाटर यानी कि पानी। वाटर इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सप्लाई वाटर फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज एंड फॉर द पर्पज ऑफ सैनिटेशन। देखिए ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि वाटर सप्लाई करे घरों के लिए, यूज के लिए, इंडस्ट्री के लिए और सैनिटेशन के लिए। यूजली द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना है ऑफ द स्टेट, सरकार का है ये, राज्य सरकार का परफॉर्म करता है, जिस फंक्शन को वो कंप्लीट करता है। आगे है, इट बिल्ड सिस्टम फॉर सप्लाइंग क्लीन वाटर एंड ड्रेनिंग अवे डर्टी वाटर। इसका क्या काम है, साफ पानी की सप्लाई करवाना और जो डर्टी वाटर है, घरों का गंदा पानी है, उसको ड्रेन में ड्रेनिंग करना, यानी कि दूर तक लेके जाना। वो कैसे लेके जाते हैं जी, उसी वजह डाल देते हैं उसके बीच में ताकि पानी चला जाए। दीज सिस्टम्स आर मेंटेन्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। इसको कौन करता है जी, इस काम को करती है जी सेल्फ गवर्नमेंट करती है, लोकल बॉडीज करती है, जैसे पंचायत करती है और शहर में कौन करता है, कमेटी करती है, म्यूनिसिपल कमेटी का काम है ये। अब है जी बस यही तक करेंगे लैंड रिफॉर्म तक, ये लास्ट ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं आपको। बस ये है एक पॉइंट, बस यही पढ़ना है, एक लैंड रिफॉर्म, पब्लिक हेल्थ नहीं पढ़ना, ये कल को रीड करेंगे, पढ़ो। लैंड रिफॉर्म में इंस्टीट्यूट मेजर्स सच एज लैंड अमंग द पीपल, ब्राइजिंग वेस्ट लैंड अंडर सर्टिफिकेशन, टेकिंग अवर सम लैंड फॉर डेवलपिंग माइंस इन इंडस्ट्रीज रोड इटेक्ट्रा
that lying the displays people elsewhere and so on. Nearly all states governments in India have passed laws for land review. ठीक है बेटा, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मैं पढ़ता हूँ। लैंड रिफॉर्म्स होते बेटा जमीन सुधार, कोई दिक्कत आ जाए प्रॉपर्टी के अंदर तो उसको रिफॉर्म करने का काम करते हैं ये। अब कैसे कैसे कि वो लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड्स मेजर सच एज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड अमंग द पीपल। पहले काम क्या है सरकार का, वो जमीन को मापती है, पैमाइश करती है जो लोगों के बीच में वो बांट पाए बाद में, कई होती नहीं पंचायती जमीन को वैसे काम करती है वो। ब्रिंगिंग वेस्ट लैंड्स अंडर द कल्टीवेशन, जो बेकार जमीन होती है वेस्ट लैंड बोलते हैं उसको वो खेती बाड़ी के लिए यूज करती है। टेकिंग ओवर सम लैंड्स फॉर डेवलपिंग माइंस, जमीन लेती है जी, टेकिंग ओवर सम लैंड्स ताकि वहां पे माइंस का काम हो सके, माइंस में जहां से जमीन से नीचे से कुछ मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इंडस्ट्री के जमीन, सड़कों के लिए जमीन रिक्वायर करने का काम ये भी सरकार करती है। सेटलिंग द डिस्प्लेस्ड पीपल एल्सवेयर, अब जहां सड़क बनेगी इंडस्ट्री लगेगी वहां पर लोगों को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा तो उनको भी अगली दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाने का काम सरकार करती है। एंड सो ऑन, बहुत सारे वर्क। नियरली ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट इन इंडिया हैव पास लॉ फॉर लैंड रिफॉर्म, पूरी इंडिया के अंदर ना जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने ना जमीन सुधार कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, ये प्रोग्राम थे, वो कानून भी पास किए हुए हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा पब्लिक हेल्थ हम रीड करेंगे कल को, आज नहीं करते कल को करेंगे, ठीक है जी। बच्चे आए हैं 19। ओके सर, अब मैं ले रहा हूँ आपकी अटेंडेंस, ठीक है जी। बोलना बस, बाकी बेटा हम कल को रीड करेंगे, आज हाफ से ज्यादा चैप्टर हमने कर लिया है, बाकी जितना पेंडिंग चैप्टर है आपका कल को रीड कर लेंगे। और जो बुक वर्क है आप इसको ढूंढो और इसको कंप्लीट करो, बुक वर्क अपने आप रीड किया करो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सेट कर दूंगा आज, और पिछला चैप्टर आज आपको भेज दिया जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके, बाय बाय। अब दिस इज टाइम टू लीव द मीटिंग, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग, बाय बाय।